गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आपका हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 4 आर बॉडी, उसको अब हम आगे करते हैं। अब तक हमने देखा कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, जॉइंट्स कैसे काम करते हैं, ब्लड वेसल्स क्या हैं, ब्लड वेन्स क्या हैं, कैपिलरीज क्या हैं। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का परिसंचरण या रक्त का संचरण। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। जो मूवमेंट जो पूरे हार्ट से जो ब्लड जो है निकलता है और पूरी बॉडी तक वो जाता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? सर्कुलेशन, संचरण कहते हैं। हृदय से खून का पूरी बॉडी तक जाना संचरण कहलाता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। और जो ये सर्कुलेशन है, जो संचार है, वो पूरी बॉडी में जब घूमता है तो वो किस तरह से घूमता है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स आउट ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाई द आर्टरीज। धमनियों के माध्यम से जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो ऑक्सीजन से युक्त, ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में धमनियों के माध्यम से पहुंचाता है। द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड एंड यूज इट। और बॉडी जो है, जो ब्लड आया है उसमें से ऑक्सीजन को लेती है और उसका यूज़ करती है। इन टर्न इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट इन टू द ब्लड। और बदले में क्या देती है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको वापस किया जाता है और वेस्ट कहाँ पर? ब्लड तक पहुँचा दिया जाता है। ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट जो है उसको ब्लड में वापस कर दिया जाता है। द रिटर्निंग ब्लड एंटर्स द राइट ऑरिकल विच पोर्स इट इन टू द राइट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, जो वापस आया हुआ ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो है वो राइट ऑरिकल में जाता है, उसमें बहता है और उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला जाता है। ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स बाय द राइट वेंट्रिकल फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनरिचमेंट विद ऑक्सीजन। और फिर क्या होता है, वो ब्लड लंग्स में जाता है राइट वर्टिकल से, किस लिए? जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर दिया जाए और उसमें ऑक्सीजन जो है वो भर जाए। ठीक है, द ऑक्सीजन रिच ब्लड नाउ एंटर्स द हार्ट अगेन। और उसके बाद फिर से जो है वो लंग्स में से होकर कहाँ वापस आ जाता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड बनकर वापस हार्ट में आ जाता है थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। और किसके थ्रू? लेफ्ट ऑरिकल के थ्रू जो है वापस हार्ट में आ जाता है और यही प्रोसेस जो है वो बार बार चलता रहता है। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी तक जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस आता है और फिर से वो ऑक्सीजन वाला बन जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट बीट या हार्ट साउंड, हृदय की आवाज़। द हार्ट रिलैक्स एंड कंस्ट्रक्ट्स वाइल पंपिंग ब्लड। हार्ट जो है रिलैक्स होता है और कंस्ट्रक्ट होता है, मतलब कि रिलैक्स मतलब कि किसी चीज़ का रिलैक्स होना और उसके बाद कंट्रैक्ट मतलब संकुचन होना। ठीक है, और रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। और रिलैक्स होना और संकुचन होना ये क्या कहलाता है? हृदय गति कहलाता है। बार बार हृदय धड़कता है ना, एक बार वो फैलता है, एक बार वो सिकुड़ जाता है। रिलैक्सेशन मतलब फैलना और कंस्ट्रक्शन मतलब सिकुड़ना, संकुचन, और ये क्या कहलाता है? हार्ट बीट, हृदय गति कहलाता है। वी कैन फील आवर हार्ट बीट बाय प्लेसिंग आवर हैंड
ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आर चेस्ट। जब हम अपनी उल्टी हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ अपने हाथ को रखते हैं चेस्ट पर, तो हमें जो है हार्ट बीट फील होती है। आप अपने हाथ हाथ को हार्ट पर रख के देखो, लेफ्ट साइड में रख के देखो चेस्ट की, तो आपको पता चलेगा कुछ अंदर धक धक ऐसे ऐसे बीटिंग की आवाज़ आ रही है। द हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग एट रेस्ट इज बिटवीन 65 to 75 per minute। एक एडल्ट ह्यूमन, एक वयस्क व्यक्ति में ये हार्ट बीट जो रेस्ट के टाइम, जब वो बैठा है आराम से रेस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे 65 to 75 per minute होती है। एक मिनट में 65 to 75 बार ये धड़कता है। इट इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन इज डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, और ये बढ़ जाती है जब कोई फिजिकल एक्टिविटी, या फिर आप चल रहे होते हो या एक्सरसाइज या कोई ऐसा काम कर रहे होते हो, तो ये बढ़ जाती है। वी कैन लिसन टू आर हार्ट बीट्स क्लियरली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर्स के पास होता है ना, वो आपकी धड़कने सुनते हैं, आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है स्टेथोस्कोप। इससे हम क्लियरली अपने हृदय की आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको इसका बुक वर्क सेंड कर रही हूँ, फिलअप्स हैं, करेक्ट ऑप्शंस हैं, और आपका स्केलेटल सिस्टम उसका चार्ट है, उसके बाद सर्कुलेशन का चार्ट है वो, और नीचे आपको वर्ड्स फाइंड करने, ये सब मैं आपको भेज रही हूँ। साथ ही ये आपको दो क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन क्या है, ठीक है, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्ट साउंड। अभी हमने किया ना हार्ट साउंड, उसके ऊपर छोटा सा नोट लिखना है। तो आपको इसने इस सबको आपने अपनी क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में नोट डाउन करना है, लर्न करना है, और बुक वर्क को बुक में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।